बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम मेरे दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, आसमान पे बादल छाए हुए हैं और बारिश भी बरस रही है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम है। ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आसमान पर, ये देखें माशाल्लाह पूरे आसमान पर बादल छाए हुए हैं और ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि अंधेरा हो रहा है, लेकिन अभी तकरीबन असर का टाइम है तो मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज हमारे परिंदे क्या कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, एक हमारा मेल ये है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना रैबिट। ये देखें कितने आराम सुकून से बैठा हुआ है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। रेड आइज़ हैं इसकी। और दोस्तों, इसका ये जो कलर गंदा हुआ है, जो इसके बाल गंदे हुए हैं, ये मिट्टी में खेल खेल के इन्होंने गंदे कर लिए हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा प्यारे थे और बिल्कुल वाइट थे ये, जैसे इनके ये नीचे बाल हैं। अच्छा दोस्तों, इनमें एक ये भी खूबी है कि इनके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े बाल होते हैं। ये देखें माशाल्लाह, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया आपने? दोस्तों, इनको मैंने थोड़ी देर पहले खाना डाला था और स्ट्रॉबेरी और कुछ दूसरा फल इनको डाला था, वैसे ये चारा भी खाते हैं। आई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने दूसरे परिंदे। ये देखें दोस्तों, एक ये फीमेल है और हमारे चूज़े इस वक्त यहाँ पे खेल रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये हमारे चूज़े हैं दोस्तों। आज ठंड की वजह से इनको भी ठंड महसूस हो रही है और सर्दी लग रही है कुछ चूज़ों को। अभी थोड़ी देर पहले इनको खोला था, मैंने कहा कि शाम का खाना ये खा लें, फिर इनको बंद करते हैं। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने फूल। ये देखिए माशाल्लाह, आज हमारे पौधे भी तरोताज़ा नज़र आ रहे हैं क्योंकि बारिश हुई है। बारिश होने की वजह से सारे पौधे तरोताज़ा नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आज कुछ इस तरह हुआ है कि हमारी जो फीमेल्स झुंडों पे बैठी हुई थी, उन्होंने ये काम किया है कि अपनी जगह चेंज कर ली है। अभी अंदर अंधेरा है, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता। जो फीमेल थी वाइट एंड ब्राउन ब्लैक, वो वाइट की जगह पे बैठ गई है और जो वाइट वाली जगह थी वो दूसरी फीमेल बैठ गई है। ये देखिए हमारे दूसरे रैबिट हैं दोस्तों, ये भी खाना वगैरह खा चुके हैं और इस वक्त बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। चलते हैं दोस्तों दूसरी तरफ। ये देखें दोस्तों, हमारे रैबिट्स ने क्या किया है। यहाँ पे मैंने केले के पौधे लगाए थे लेकिन वो बड़े नहीं हो सके, वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन नीचे इसके जो जड़ मौजूद थी उससे दोबारा ये पौधा निकल रहा है। हमारे रैबिट बार बार इसको गिरा देते हैं, देखते हैं कि शायद ये चीज़ खाने वाली है। तो सुबह को तकरीबन मैं ये जो साथ मैंने लगाई हुई हैं कुछ लकड़ियाँ, ये तीसरी मरतबा लगा चुका हूँ, अभी चौथी मरतबा लगाऊँगा, बार बार गिरा देते हैं। और दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। गाँव में लाजमी याद रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।